आज हमारे साथ मौजूद हैं किरण माही जी गोविंदपुरी से। मेरा नाम किरण माही है और मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। मुझे कभी पहले इस मेडिटेशन के बारे में कभी भी कोई ज्ञान नहीं था, पर जब मेरी सिस्टर लॉकडाउन था तब उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस मेडिटेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे किरण माही जी से और जान रहे थे उनसे उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। मैम ने हमें बताया कि ध्यान में आने के बाद जो चीज़ उन्होंने सीखी वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाइए। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होते जाएगी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके आगे की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, फिर से स्वागत है आपका। जी तो मैम, जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे, आपने हमें पत्री जी के कंसेप्ट के बारे में बताया। जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन हर जगह पहुंचना चाहिए, बहुत कम उम्र से ही बच्चों को ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं जानना चाहूँगी कि जब आप ध्यान में आए तो क्या वो ऐसा कंसेप्ट है पत्री जी का, या क्या वो ऐसी शिक्षाएँ हैं जिसने आपको आकर्षित किया पीएसएसएम से जुड़ने के लिए? सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप कहीं और जाओ तो जैसे आपको ये वाली जो बातें पंडित जी के मेन कॉन्सेप्ट्स है वहाँ को पूछता ही नहीं है, वहाँ पर आओ बैठो भाषण सुनो और फिर दान करके निकल जाओ। और यहाँ पर है यहाँ पंडित जी पकड़ पकड़ के, नहीं ये चीज़ें सीखनी है, ये करो, मेडिटेशन करो, इससे ये फ़ायदा होगा, आप अपने आप को जान पाओगे। मतलब कोई ऐसा गुरु है मिलेगा कि पकड़ पकड़ के सबको करा? नहीं, आपको करना ही करना है। जैसे मैं भी अपने हस्बैंड को पूछती थी कि मैं मंदिरों में जाती हूँ या जो भी प्रवचन होते हैं मुझे इतने समझ में ही नहीं आते, कोई ऐसा गुरु मिले जो मतलब अपनी उंगली पकड़ के बड़े आराम से हंसते गाते आपको आध्यात्मिक रास्ते में आपको जो ज्ञान मिला वो भी मिल जाए और आपको पता भी ना चले। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी मतलब एक आप अपने आप को जानना, आप यहाँ पर धरती पर क्यों आए हो, और ये मेडिटेशन के फ़ायदे, आप अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर आप अपनी मतलब और जो एक डायमेंशन से भी आप जाकर वहाँ से मैसेजेस ले सकते हो। कोई एक भी बंदा मुझे नहीं लगा किसी ने भी अब तक, मैं 50+ की हो गई हूँ पर मुझे अब तक कोई नहीं मिला जो ऐसा बताने के लिए तैयार हो, पर ये मैं पहली बार यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब एक मन कहते ना कि डाउट नहीं आया बिल्कुल भी कि मैं जो रास्ते पे जा रही हूँ गलत है। जी तो मैम, आपने अभी बात की कि जैसे पत्री जी के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलते हैं। थर्ड आई ओपन होना, ये सब क्या है, ये कंसेप्ट क्या है इसके बारे में, तो यही सवाल मैं लेना चाहूँगी, आपका अनुभव एस्ट्रली जो है वो हमारे साथ साझा कीजिए। मेरे काफ़ी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए हैं JTP 13 जब मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट डे से लेके मतलब पूरे क्लासेस में मुझे एवरीडे न्यू एक्सपीरियंसेस, एवरीडे का न्यू एक्सपीरियंस होता था कि जिसमें मतलब ये वाली चीज़ें पहले कभी देखी ही नहीं, ना सुनी ना देखी कभी अपने जीवन में, पर यहाँ पे इस पाथ पे पैर रखते ही हर रोज़ नया एक्सपीरियंस, और मतलब एकदम हटके जो दुनिया कभी देखी ना हो वो दुनिया देखने मिली। एक्सपीरियंसेस तो मेरे बहुत सारे हैं पर उनमें से जो मेन है मैं वो बता रही हूँ आपको। जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी तो मैं नेचर में जैसे पहाड़ों में घूम रही हूँ और मैं पहाड़ों में जा रही हूँ, और मैं जब जा रही हूँ तो मैं रास्ते में देखा एक कुएँ जैसे कुंड है और उसमें से ना ज्वाला निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहाड़ों में ये ज्वाला कहाँ से निकल रही है, पता नहीं मन क्यों किया मैं उसमें कूद गई, और फिर मैं गई तो मगर मैं मुझे कोई ना जलन महसूस नहीं हुई, मैं उसमें गई हूँ फिर बाहर आई हूँ फिर अंदर गई हूँ, और मैं मतलब एक ठंडा कुंड है वो ज्वाला के ठंडे कुंड है और आसपास और भी कुंड हैं। मतलब ये चीज़ ये हुई कि आप जब मेडिटेशन में जाओगे जो आपको अपनी आँखों से नहीं दिखेगी वो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं कि वहाँ पर ऐसी जगहें हैं
कि जहाँ पर ये ठंडे कुंड हैं, जो दिखने में आग है, पर आप उसमें जब जाओगे आप जलोगे नहीं, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो जल जाएगी, आप एक स्वच्छ हो जाओगे। और फिर मैं कहती हूँ कि आप आओ, मेडिटेशन करो और इस कुंड में सब स्नान करें और अपने सारी नेगेटिविटी धो दें। जी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मन की अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई विचार रहे होंगे तो वो होते ही नहीं होंगे आपको। और फिर एक ये एस्ट्रल मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं एक ना कलश है, उस कलश में मैं अंदर जाती हूँ और उस कलश के दूसरे तरफ वाइट, प्योर वाइट लाइट है और वहाँ पे जितनी भी सोल्स बैठी हुई हैं वहाँ वो एक ज्योत के रूप में बैठी हुई हैं, लंबी लंबी ज्योत जगी हुई हैं और लाइन से बैठी हुई हैं और ध्यान कर रही हैं सारी। और मैं वहाँ जा रही हूँ, जैसे ही जा रही हूँ वहाँ का वातावरण एकदम बहुत ही सुंदर, और मैं वो ज्योतें मुझे देख भी रही हैं कि ये हमारे एरिया में कौन आ गया। और आगे गई हूँ तो एक मतलब एक गुच्छा पूरी सोल्स का पूरा बैठे हुए हैं और बुद्ध वो भी देख रहे हैं कि ये हमारे एरिया में दुनिया में कौन आ गया है ये। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य था वो मतलब वो मुझे भूलता नहीं है। और वो जो कलश है ना वो बहुत ही सुंदर कलश, मतलब एकदम गोल्डन कलर का कलश है। एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं बाहर शोर मचा हुआ है हमारे घर के बाहर, और फिर मैं सोच रही हूँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए, तो मैं जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ तो देखती हूँ पत्री जी खड़े हैं। और फिर मैंने सबको साइड किया, मैं कहा पीछे पीछे हट जाओ, आप नहीं जानते इनको, ये पत्री जी हैं, इनको अंदर आने दीजिए। और वो अंदर आ जाते हैं और मेरे अंदर वहाँ जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ वहाँ चेयर लगी, वहाँ बैठ जाते हैं। और अक्सर जब भी मैं मेडिटेशन करती थी उस चेयर पे पत्री जी आते थे और बैठ जाते थे। कई बार मेरे साथ भी बैठे हैं और कई बार आए हैं अपने पूरे, जैसे मेडिटेशन का पूरा अपना ग्रुप है ना, सारे आते थे आराम से, जैसे ना जैसे फ्रेंड्स होते हैं कि ना वो गुरु नहीं, जैसे अपने जो अपने सिंहासन में बैठे हैं वो गुरु नहीं कि अपना अलग ही गाड़ियों में घूम रहे हैं ये है, नहीं वो पूरे अपनी टीम लेके बैठे हैं और सब खा रहे हैं, गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं ये वाले। तो मैंने पहली बार पत्री जी को देखा था तो वो यूट्यूब पे देखा था कुक करते हुए, तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतना ओल्ड पर्सन कौन होगा, शायद इनके घर में कोई देखने वाला नहीं होगा जो अकेले कुक करे। बाद में पता चला जब मैं मेडिटेशन में आ गई कि ये पत्री जी हैं अपने, जो अपने आप मतलब खुद ही पका कर खुश हो के, और वो खुद कहते हैं कि अपना खाना खुद बनाओ इन्जॉय कर कर और सबको खिलाओ भी। और मेरा एक एस्ट्रल सर्जरी थी जो मेरे कान में ना अक्सर मुझे इरिटेशन होती थी, तो मेडिटेशन में देखा कि मेरे पीछे किसी ने कान पे एक चीरा दिया और फिर उसको खोला और उसमें कुछ किया और फिर उसको सिल दिया। बस ये मतलब मेरी एक एक्सपीरियंस है। और फिर एक एक्सपीरियंस ये था जो रियल है, जो मैं अपने जो हमारे गुरुजी हैं जिनका नामधन हम लेते हैं, उनको मैंने अपनी आँखों के सामने उनको अपने सामने देखा। और वो मतलब वो थोड़े सेकंड्स का ही था और वो आए और मुझे देख रहे हैं और फिर चले गए। तो इन सभी एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है कि आप अगर मेडिटेशन करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जहां पर आप जो मास्टर्स बैठे हैं आप वहां तक जाकर उनको मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे मैसेज ले सकते हैं, आप अपनी इंद्रियां जागृत कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मैं एक अलग सी खुशबू कई महीनों तक मेरे साथ रहती थी, तो मैंने शंपा मुखर्जी मैम से भी पूछा था तो वो कहते कि जब ऐसी चीज़ होती तो मास्टर्स हमारे साथ होते हैं। और मैं जब चलती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं ज़मीन पे नहीं चल रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, और मेरी बॉडी इतनी लाइट हो गई थी। और मैं अक्सर मेरे कान में ना जैसे फुसफुसाहट कोई मेरे साथ, बल्कि मेरे आसपास कोई भी नहीं होता था तो मुझे कोई आवाज़ें सुनती थी,
कि कोई है मेरे आसपास और मुझे कुछ बोल रहा है, पर वो इतना क्लियर नहीं थी, शायद मेरी फ्रीक्वेंसी भी इतनी हाई नहीं हुई थी कि जो मैं उनको वो जो कह रहे थे वो मुझे सुने। अब मैं चाहती हूँ कि और मेडिटेशन करूँ और जो बातें वो जो कह रहे हैं कि मैं वो भी सुन पाऊँ। अच्छा, जो इतने एक्सपीरियंस बताए और थोड़े और एक्सपीरियंसेस हैं, एक ये है कि मैं ना अक्सर सपने में ना स्लम एरिया में जाती थी, और मैं क्योंकि स्लम एरिया था ना तो मैं वहाँ से मुड़कर आ जाती थी। फिर मैंने कहा कि जब मुझे बताया कि आप जब कहीं जा रहे हो तो वहाँ कुछ ना कुछ लर्निंग बाकी है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, डर के मारे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। तो फिर मैं गई, फिर वहाँ जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे ना एक छोटा सा तालाब है, तो उस तालाब में तालाब के बाहर एक दो छोटे लड़कियाँ खड़ी हैं, बच्चे हैं, और वो पानी में गिर जाते हैं और वो डूब जा रहे हैं। और फिर वहाँ पर मैं शोर मचाती हूँ कि दो बच्चे डूब गए हैं, उनको कोई बचाए। तो एक आता है एक पर्सन, उनको बाहर निकालता है और फिर वो बच जाती हैं। फिर उसके बाद ऐसा सपना फिर मुझे कभी नहीं आया, वो स्लम का। जी, तो एक मैसेज था जो आप तक पहुंचना था। हाँ, सेव करने के लिए, सेव करने का मतलब आपको अगर ऐसा कुछ विजन आ रहा है तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको आगे जाके देखना चाहिए कि आखिर ऐसा वाला सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है। जी। और फिर एक सपना ये एक था जो कि मैं एक ना नदी के किनारे बैठी हूँ, वो इतनी सुंदर नदी है, उसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है और नीले रंग का पानी है, जैसे मोर पंखी कलर होता है, ब्लू डार्क लाइट कलर का, और सेम उसका रिफ्लेक्शन भी ऊपर है। और फिर मैं बैठी हूँ कि ऊपर, और इतना इतना सुंदर दृश्य कभी मैंने देखा नहीं, तो इतनी सुंदर नदी कहाँ से आ गई। तो फिर मैं देखती हूँ कि एक आसमान से बूंद धीरे 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 बड़ा हो रहा है, उसके बाद फिर वो बूंद जब बड़ा होने के एक टप करके गिर के उस बूंद से वो पॉन्ड बना है, और वो जब वो पानी इतना ठंडा है, शीतल है, ऐसा लग रहा है कि बस वहीं रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं हो, इतनी मतलब वो अभी भी जब भी मैं देखती हूँ ना वो ऐसा लगता है कि बस वो दृश्य हटे ना आंखों के सामने से। जी, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे हैं, तो ये एक अनुभव कि आप एक्चुअली पहुंच चुके हैं उस लेवल तक कि आपको इतने सारे विजन्स आ रहे हैं, इतने सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि बहुत कम समय में ये हो रहा है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। जी, और ऐसे एक्सपीरियंस, और एक ऐसे इंट्यूशन जैसे कि जैसे मैं बैठी हूँ मेडिटेशन में, तो मैं अपनी फ्रेंड को देख रही हूँ कि वो बहुत रो रही है, तो अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना बहुत जोर जोर से रो रही है, मतलब दुखी है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मैंने आँख खोली, 5 मिनट में वो आ गई, तो फिर मैंने उसे पूछा अचानक से, मैं कि तुम इतना रो क्यों रही थी, मैंने मेडिटेशन में देखा इतना रो क्यों रही हो, कह रही आपको कैसे पता चला कि मेरा दिल इतना अंदर से रो रहा है। मैं कह रही मैं क्या हुआ, कह रही कि मेरी आज बेस्ट फ्रेंड बचपन की आज उसकी डेथ हो गई है, कि आज सुबह ही मुझे पता चला, और मेरा अंदर क्योंकि मैं ड्यूटी कर रही हूँ पर ऊपर से तो मैं स्माइल कर रही हूँ पर अंदर से मेरा दिल रो रहा है। तो मैं कहा ये है। और एक और था कि किसी घर में गुड न्यूज़ थी, तो उन्होंने बताया नहीं था, शायद उनको खुद नहीं पता था। मैं कहा आपके घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि जो बेबी आने वाला है ना, मैं उनसे बातें भी करके आई हूँ और उसके साथ खेल कर भी आई हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद ही उन्होंने बताया कि हाँ हमारे घर में गुड न्यूज़ है। जी, तो पहले आपको पता चल गया, फिर उन्हें पता चला। जी, तो मैम अब इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि ना हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम ना हर जन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पीएमसी जो है पूरा काम कर रहा है कि ध्यान हर जन तक पहुँचे, जो मैसेजेस हम पहले भी बात कर चुके, जो कंसेप्ट हम बात कर चुके, वो लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा है पीएमसी के बारे में जो आप देख पा रहे हैं दूसरों को हेल्प कर रहा है उनकी लाइफ में, ऐसा मैसेज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये देखो कि इस पीएमसी हिंदी जैसे और जो चैनल्स हैं, क्या है उसमें लड़ाई झगड़ा सीरियल्स चल रहे हैं, वो ही देख के नेगेटिविटी हम अंदर ले रहे हैं और लगभग उसको अपना भी रहे हैं, है कि नहीं, आइडियाज़ मिलते हैं ना वहाँ से। तो ये ऐसा चैनल है कि आपको एक अलग ही पाथ पे ले जा रहे हैं, जो मैंने खुद देखा एक ऐसा रास्ता, एक मैंने वॉल देखी जिसके एक तरफ जो आध्यात्मिक बंदे जा रहे हैं वो हंसते खेलते जा रहे हैं, और इतना वो सुंदर एरिया है,
इतने सुंदर वहाँ पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, इतने सुंदर पक्षी हैं, और वो वहाँ पे इतने रिलैक्स होके जा रहे हैं, खुशी खुशी से हाथों में हाथ लेते हुए मज़े से जा रहे हैं। और एक तरफ दीवार के देख रही हूँ कि ऐसा जो हमारा दुनिया है जिसमें लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लड़ाई झगड़े, परेशान हैं, सब दौड़ भाग, सुबह से लेकर शाम तक कोई रेस्ट नहीं है, मतलब रेस्टलेस लाइफ है, ये देखा मैंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको वहाँ से उठाकर आपको इस रास्ते पे लाने के लिए पीएमसी हिंदी संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, और मैं कहती हूँ कि इस चीज़ के लिए सबको साथ देना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने परेशान हैं, उनको भी इस रास्ते में आकर, पीएमसी हिंदी में आके ध्यान के बारे में जानकर अपना जीवन कैसे सुखमय, शांत और शीतल, आराम से बनाया जा सके, और आराम से जो जीवन हम जी रहे हैं उसको एक ऐसे स्ट्रेस ना लेते हुए, इंजॉय करते हुए, लर्निंग्स लेते हुए, समझते हुए आराम से जा सके। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से लोगों तक ये मैसेज पहुँचा पा रहे हैं, ध्यान प्रचार कर पा रहे हैं, क्योंकि आप तो सीख ही रहे हैं, दूसरे कैसे सीखें, दूसरों को पता कैसे चले, इसके बारे में वो जानना चाहती हूँ। अब तो ऐसा लाइफ का टारगेट हो गया है ना कि हमें, मुझे ना अब कोई बात ही नहीं सूझती है। जहाँ भी जाओ सब कहते हैं भाई आगे मेडिटेशन की मास्टर्स। अच्छा, मेरा भी ये टारगेट है कि अब कोई भी ऐसा इंसान ना बचे जो मेडिटेशन ना करता हो। सबको मेडिटेशन करनी चाहिए, और जहाँ भी मैं जाती हूँ लिंक्स दे देती हूँ, जोड़ लेती हूँ, और सब जो मेडिटेशन कर भी रहे हैं, ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल्स में भी गई हूँ मेडिटेशन कराने के लिए। और अभी जैसे समर वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी, एक स्कूल और है, बुद्धा स्कूल है हमारे हमारे पास में ही, वहीं पर ही, तो वहाँ भी मैं मेडिटेशन करवाने के लिए जाऊँगी। वहाँ प्रिंसिपल्स मैम से बात करूँगी, टीचर्स को सिखाऊँगी। मैं 2-3 बार गई हूँ वहाँ पे, जो मेन कमेटी के मेंबर थे उनको भी मेडिटेशन कराई है, काफ़ियों को पसंद आया है। तो और अपने घर में मैं अपना सेंटर भी, अब तैयारी है उसको सेंटर बना दूँगी, तो वहाँ पर भी अगर किसी को मेडिटेशन सीखनी है तो वहाँ पर आ जाए। और मैं तो चाहती हूँ कि वहाँ पर आके सब बैठ के ध्यान करें। एक दिन फिक्स कर लेते हैं, संडे टू संडे एक टाइम फिक्स करो और सब आओ मेरे घर में और सब ध्यान करो। जी मैम, एक सवाल और, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप सबको बताते हैं, आप किसी को छोड़ते नहीं ध्यान के बारे में, और हर वक्त आप ध्यान के बारे में बात करते हैं, तो जो इतने सारे लोग आपसे सुन रहे हैं, क्या किसी ने कभी आके आपको बोला कि उनको फ़ायदा हुआ? जैसे कि कोई आके अपना फीडबैक दे रहा हो कि आपने मुझे बताया, मैं तो काफ़ी ऐसा था या ऐसी थी और अब सच में मैं ध्यान के माध्यम से ऐसा हो गया, कोई एक आध एग्जाम्पल आपके पास? बहुतों में जो मेरे साथ बैठती हैं आंगनवाड़ी में, मेरी हेल्पर है, उनको भी काफ़ी, वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और परेशान रहती थी, और वे ऑफ लुकिंग रिलेशनशिप्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है। मतलब वो जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, जब मैं ये बातें करती हूँ तो उनको अच्छा लगता है कि ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं कभी किसी से, क्योंकि चुगलियाँ तो सब जैसे ग्रुप बना के सब कर लेते हैं, इधर की उधर उधर की इधर, पर ये वाली बात है ना, क्योंकि मेरे मुँह से और कोई बातें नहीं निकलती हैं, अब कोई टॉपिक ही नहीं बचा मेरे लिए। जहाँ भी जाती हूँ बस बैठ जाती हूँ, और फिर जहाँ भी जाऊँगी इस मेडिटेशन के बारे में बात होगी, ये कर लो, ये जुड़ जाओ, ये वाला कर लो, आसान हो जाएगा जीवन, समझ जाओगे जीवन असल में है कि आपको कैसे आगे जाना है। जो हमने मुश्किलें की हैं अपने जीवन में, तो आप लोग इस चीज़ से बच जाओगे। मैं ये चाहती हूँ कि सारे, कोई बंदा ना छूटे। जी, जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि पिछले एपिसोड में भी जब हम बात कर रहे थे और अभी भी, तो आप बार बार बस यही बात कह रहे थे कि आपका पर्पस ही अब ये रह गया कि मैं सब तक मेडिटेशन पहुंचाऊं, कुछ ना छूटे, कोई ना छूटे, इवन स्कूल्स में भी आज ही से बच्चे मेडिटेशन शुरू करते हैं। साथ ही आपने जैसे ये भी बोला कि जब आप ट्रैवल भी करते हैं या कहीं पर भी आपको मौका मिलता है, मेडिटेशन के बारे में ही बात करते हैं। जी, तो मैम आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, ध्यान को लेकर आपने कहा कि किस तरीके से हम अपने अवेयरनेस में रह सकते हैं और प्योरिटी आ जाती है बेसिकली अपने अंदर, क्योंकि नेगेटिविटी बिल्कुल ही आपके अंदर से खत्म हो जाती है। तो इतनी खूबसूरत यात्रा के लिए और ध्यान के बारे में इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ किरण माही जी, इन्होंने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ शेयर की। जैसा कि मैं कहती हूँ आपको कि हर ध्यानी जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है ध्यान से, तो मैम ने सीखा कि एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं आप हर सिचुएशन को, और फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर काम करके कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान करते हैं तो हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी मैं आप तक लेकर आते रहूँगी, तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी।
धन्यवाद। PMC हिंदी बदली जी।